एलएलबी व एलएलएम के छात्र छात्राओं ने आज आगा यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप कि मेरिट लिस्ट में आए बच्चों का नाम के पर एडमिशन नहीं दिया गया, जबकि कम परसेंटेज वाले छात्र छात्रा को एडमिशन दिया गया। आगरा कॉलेज के प्रिंसिपल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि सीट फरोख्त की गई है, इसलिए सिर्फ दो दिन के लिए एडमिशन का पोर्टल खोला और उसी में ही अपने जान पहचान जिन्होंने पैसे दिए थे उनका एडमिशन कर दिया गया। मिन्नी सिंह है, ये बताइए कि आप किस क्लास में कक्षा में एडमिशन के लिए अप्लाई किया? मैंने एलएलएम के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई किया था एक साल पहले, जिसकी मेरिट लिस्ट अभी कुछ दिन पहले ही आई है और इन लोगों ने 16 में लिस्ट निकाली और 17 में इन लोगों ने काउंसलिंग कंडक्ट करा दी, लेकिन मुझे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, कि मैसेज भी नहीं आया ना कोई कॉल आया। इनसे पूछने के बाद ये कहते हैं कि आपने दो दो बार किया है, आपने रॉन्ग नंबर दिया है, हम नहीं जानते आपके बारे में। ये लोग ऐसे जवाब दे रहे हैं, ना वो प्रिंसिपल ऑफिस में सर मिल रहे हैं प्रिंसिपल से, ना जो एडमिशन दे रहे हैं वो मिल रहे हैं हमें। हम क्या करें, हमारा एक साल खराब हो जाए। आप लोगों का नाम है? जी हमारा बिल्कुल नाम है, मेरिट लिस्ट में नाम है। आप लोगों को एडमिशन किस कारण से दिया? हमें नहीं पता किसी उन्होंने बेची है सीट, क्या किया हम नहीं जानते, उन्होंने क्या किया वो लोग जानते कि उन लोगों ने क्या किया है, वो हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। जी प्रकाश, मैं एलएलएम जनरल कैटेगरी से मैंने दाखिला लेने के लिए अपना अपना फॉर्म भरा था और 23 अप्रैल को मेरे पास एक लेटर आता है एक्नॉलेजमेंट कि आपका दाखिला लेने के लिए 23 तारीख को आप आवे। मैं गया वहाँ पे, वहाँ ये पता लगा कि पीस त्यागी जो हेड है वहाँ के, उनको वो कोरोना काल में उनकी डेथ हो चुकी है, इसलिए आपको आगे डेट आपको दे दी जाएगी। हम इस इंतजार में थे कि हमको डेट मिलेगी और 17 जून को की रात, मतलब 16 तारीख को मेरे पास फोन आता है और मैसेज आता है कि आप आवें और आपकी आपकी जो है मेरिट लगा दी गई है। इसके बावजूद हम पहुंचे 17 तारीख को, वहाँ हमारा एडमिशन नहीं हुआ। 18 को हम प्राचार्य से मिले, प्राचार्य वहाँ न तो अपने आगरा कॉलेज में थे, नाम है मेरा, नाम है, मैं मेरिट में नाम है, ऐसे करीब 60 बच्चे हैं जिनका मेरिट लिस्ट में नाम होने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनका जो है दाखिला नहीं लिया गया है। और ये बात उनको पता थी कि दो दिन का पोर्टल खुला हुआ है, एक दिन का लॉकडाउन मिलेगा शनिवार का, इसलिए उन्होंने दो दिन के पोर्टल में इन लोगों को एडमिशन दिखाते हुए और जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है उन लोगों को एंट्री करा दी है और उन लोगों को दाखिला दिखा दिया है। कुल मिला के फर्जी। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक शेयर सब्सक्राइब।